अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हमें पहले चाहिए ऑयल, हाफ कप मैंने लिया है। 3 साबुत हमें मिर्चें चाहिए और 1 चम्मच हमें ज़ीरा चाहिए। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको इनकी खुशबू अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लगाएं तड़का, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमने खुशबू आने तक भूनना है, जब हमारी ज़ीरा हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए और खुशबू आने लग जाए तब आपने इसमें अपने प्याज ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। मटन हमने उबाल के रखा हुआ है, वो हमने इसमें ऐड करना है। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इसमें हमने हमारा हल्दी में उबाला हुआ मटन ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हल्दी डाल के मैंने, 1 टीस्पून हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से प्रेशर कुकर में बिल्कुल टेंडर कर लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी सुर्ख मिर्चें 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला इसका हमने पहले तैयार करना है, उसके बाद हमने इसमें हमारी पालक ऐड करनी है। टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट भी मैंने अपने मीट के साथ ही ऐड कर दिया था जब मैंने हल्दी डाली थी। साथ ही मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से हमने तब तक भूनना है जब तक हमारा गोश्त जो है वो अपना टेस्ट चेंज नहीं कर लेता। इस स्टेज पे आके आपने इसमें अपने आलू ऐड करने, अगर आपको आलू पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप इसी स्टेज पे अपनी पालक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे तब तक जब तक ये आधे गल नहीं जाते। हाँ जी, अब बारी आ जाती है इसमें पालक ऐड करने की। पालक हमने अच्छी तरह धो के निचोड़ ली है, अब हमने इसमें ऐड कर देना। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना क्योंकि पालक जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज करती है, ये अपने पानी में खुद ब खुद पक जाएगी। इसलिए आपने अपनी पालक डाल के ढक्कन बंद कर देना है ताकि ये अपनी स्टीम में अच्छे से पक जाए। एक बार इसे अच्छे से हिला देंगे ताकि इस हमारा जो मसाला है वो सारी पालक जो है अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। फिर हम इसको दम दे देंगे ढक्कन बंद, और पूरे 10 या 12 मिनट बाद हमने इसको खोलना है। 10 या 12 मिनट हो चुके हैं, हमारी पूरी पालक जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है और पानी उसने अच्छे से छोड़ा हुआ है। और इसको हमने अब बंद करके ढक्कन इतना पकाना है कि हमारे आलू बिल्कुल गल जाएं और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हाँ जी, अब हमने ढक्कन बंद नहीं करना, अब हमने खुले ढक्कन के साथ हमने हमारा जो सालन है वो बिल्कुल खुश्क करना है। इसका पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब आपकी पालक बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर आप खुश्क मेथी और गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे जब आपका सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए तब। थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें यहाँ पे ताकि आपका पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं इस वक्त। अब बारी आ गई इसमें गर्म मसाला ऐड करने की। गर्म मसाले के साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच खुश्क मेथी का पाउडर भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हमारी पालक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।